अरेस्ट कराते हैं। अभी सामने आप देख रहे हैं, ये है राजपुरा चौराहा, और यहाँ से यदि आप बाएं ले लेंगे तो आप सीधे चले जाएंगे मिर्ज़ापुर, सीधे जाने पर आप चले जाएंगे ज्ञानपुर, और यहीं से दाहिने लेने पर आप चले जाएंगे स्टेशन रोड। और आज हम आपको यहाँ से लेकर स्टेशन रोड और उसी बीच में पड़ने वाला गजिया आरओबी का अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए, अच्छा लगने पर लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा वो पीछे है भदोही तहसील, तहसील का ऑफिस, और आप ये देखते हैं अभी यहाँ पर ये भदोही बीड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। और आपको बताते चले, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था, और ये बाढ़ आने के पहले का वीडियो है, यानी कि जो बाढ़ आया उससे पहले का वीडियो है। तो भदोही में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आपको बताते चलें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है गंगा घाट के करीब जो हैं एरिया, तो वहाँ का भी वीडियो हम लोग शूट किए हैं और जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें, जो ये रोड सीधा चल जाएगा आपको गजिया आरओबी क्रॉस कराते हुए, आपको भदोही मार्केट होते हुए जौनपुर के तरफ निकाल देगा। लेकिन जो है कुछ परेशानियों की वजह से यहाँ पर गजिया आरओबी का कार्य हमेशा रुका रहता है, कभी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही हैं। तो ऐसे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कितना काम हुआ है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं हम लोग ब्रिज के पास पहुंच गए हैं, यहाँ पे अभी ब्रिज का काम होना बाकी है, इस साइड का स्लोप बनना, स्लोप बन गया है, यहाँ ढलैया बाकी है। लेकिन आपको बताते चले ब्रिज के बगल में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और यह है ये पेट्रोल पंप जो कि बंद हो चुका है इस महंगाई में, यानी कि इतना ज़्यादा पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बढ़ गया है, और ऐसे में पेट्रोल पंप बंद हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये अगर ये चलता रहता है तो इसके ओनर को काफ़ी बेनिफिट होता है। हालांकि अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो ये पेट्रोल पंप बंद हो गया था वही दिखाने आपको इस साइड आए थे, और चलिए हम आपको दिखाते हैं ब्रिज के नीचे का नज़ारा लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये आप देखते हैं जल जमाव हुआ है, और अब चलते हैं सीधा। तो ये देखते हैं ये कुछ इस तरह इधर बाएँ साइड में ब्रिज का काम हुआ है, यानी कि इधर से स्लोप बन गया है, बस जो है रोड का बनना बाकी है। और अभी आप ये देखते हैं कुछ इस तरह यहाँ पे पतला सा जो एरिया है यही बचा है इस साइड के लिए। तो अभी चलिए हम आपको आगे चलते हैं दिखाते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बताते चलिए अभी रेलवे जो क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम होने वाली है रेलवे ट्रैक को, क्योंकि ब्रिज जो है बना अभी है नहीं, और उसको नीचे से क्रॉस करना है तो इसमें दिक्कत होने वाली है। चलिए चलते हैं, और ये आप देखते हैं यहाँ के नीचे जो है पहले अक्सर यहाँ पे नंबर प्लेट ये सब बनाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर दुकानें में नंबर प्लेट एवं गाड़ियों को मॉडिफाई करने का पूरा काम होता था, लेकिन ये ब्रिज बनने की वजह से सब कुछ तोड़ दिया गया और अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आप देखते हैं अभी हम लोग आ गए हैं ब्रिज के जस्ट नीचे, और ये है सामने हमारे रेलवे क्रॉसिंग। तो अब उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा इधर से जाना पड़ेगा, तो चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं क्रॉसिंग के, क्रॉस करते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितना बड़ा रिस्क है, एक तरह से ऑफ रोडिंग हो जाएगा यहाँ पे। चलिए लेकर चलते हैं आपको, ये देखिए आप यहाँ कितना बड़ा रिस्क वाला काम है ये। यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गिट्टी है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और यहाँ पर यही एकमात्र मार्ग बचा है इधर से आने जाने के लिए। तो ऐसे में गाड़ियों को आते जाते यहाँ पूरा ख़राब हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ा एक और रिस्क ये है कि ब्रिज को, इस क्रॉसिंग को, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना, क्योंकि बाइक क्रॉस करते वक्त ही फिसल जाती हैं, जैसे अभी आप देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कितनी कठिनाई होती है इस ट्रैक को पार करने में, और ये हर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्यों इस साइड से जाते हो, यानी कि जो है कुछ लोग कहते हैं अक्सर, तो आपको बता दें भाई
इधर से जाने में बहुत सा रास्ता होता है। अब किसी काम पड़ गया यानी कि ब्रिज के नीचे किसी दुकान में, तब तो ऐसे में आपको बताते चलें, यहाँ भदोही के जो है कंस्ट्रक्टर और ये सब इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो अभी चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अब आगे। और ब्रिज का भी एक ही हिस्सा काम हो रहा है, वो है सामने के स्लोप पर। तो अभी चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं कैसा काम हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो आपको बताते चलें, ये एक तरह से पॉजिटिव नहीं, एक तरह से नेगेटिव बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्लो काम हो रहा है और बहुत ही दिनों से हो रहा है। और एक पाइप को हटाने के लिए इन लोगों को 1 महीना लग गया था। तो ऐसे में आपको बताते चलें, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स है और लोगों को उसी प्रॉब्लम की वजह से और भी प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी काम एक ही दिन में हर जगह हो जाता है, लेकिन जो है कम से कम उसको होने में समय जो लगता है वो लिमिट में होता है। यहाँ पर एक काम ये है कब से किया जा रहा है और अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, केवल एक ही ब्रिज। तो आप ये देखिए यहाँ पर किस तरह काम हो रहा है, वहाँ पे सामने बस एक पिलर ढालने के लिए सब कुछ कर दिया गया है बस। और ये देखिए वहाँ पर, और इधर देखिए पाइप कितना फैला गया, और यहाँ पर देखिए आने जाने में कितना प्रॉब्लम होता है। और ये देखिए चैम्बर टच कर लिया, बाइक का जो है पूरा इंजन टच कर लिया है ज़मीन पर। देखते हैं बाइक निकालते हैं पहले। तो दोस्तों अभी आप लोग ये देख सकते हैं कितना तेज़ी से काम हो रहा है और कैसा काम हो रहा है। इससे पहले मैंने यहाँ पे 2-3 वीडियोस बनाई हैं, हालांकि उनमें मैंने यही बताया कि यहाँ काम तेज़ी से हो रहा है, लेकिन इस समय जो है मैं यही कहूँगा काम बहुत स्लो हो रहा है, काम एक तरह से बंद हो गया है, क्योंकि ये लोगों का काम ही ऐसा हो रहा है। और अब देखिए कितनी कठिनाई से लोगों को पार करना पड़ा है इस रोड को, और फिर अभी चलिए खैर होता ही रहेगा। तो अब आप देखते हैं हम लोग आ गए हैं इंदिरा मिल वाले रोड पे, पायल टाकी टू इंदिरा मिल। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आएगा आपको, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस अक्सर हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।